तो देखिए, प्रीवियस क्लास तक हम लोग बात कर चुके थे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। मैंने आप लोगों को समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से साथ में एक फिनोमिना और होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनकी वजह से लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ। सब कहने लगे कि लाइट जो है वो वेव है एज वेल एज वो क्या है, पार्टिकल है। इस तरह की बातें उठने लगी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, बोर मॉडल में से क्वेश्चन आते हैं वहां पे। इसके अलावा हमारे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बोर मॉडल आखिर में आया क्यों, है ना। बोर मॉडल आने के पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे रीजन था रदरफोर्ड का फेलियर। आपको ध्यान है मैंने आपको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, फिर उसका मॉडल पढ़ाया था। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि एक एटम होता है, उस एटम के बीच में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर पाथ में, स्पेरिकल सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, साथ में उन्होंने बताया था कि एक एटम का साइज 10^-10 मीटर होता है, और ये न्यूक्लियस उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा सा होता है। कितना साइज होता है इसका, 10^-10 मीटर, मतलब इतना सा न्यूक्लियस इतना बड़ा एटम, ऐसा समझ लीजिए आप, इतना सा न्यूक्लियस इतना बड़ा एटम। ठीक है, -15, ओके, बोला तो -15 ही था। हाँ, तो 10^-15 होता है, और इलेक्ट्रॉन का वो जो सर्कुलर पाथ होते हैं या एटम होता है ओवरऑल, इसका साइज कितना होता है, 10^-10 मीटर, ऐसा सर रदरफोर्ड ने कह दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, पर रदरफोर्ड के मॉडल में आ गई कुछ प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम आई ये लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब, क्लासिकल मतलब जो बहुत टाइम से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, तो सदियों से चली आ रही फिजिक्स को इन्होंने यहाँ पे साइड में रख दिया। क्या चला आ रहा था सदियों से, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बोला था कि जब भी कोई चार्ज और एक्सेलरेटेड पार्टिकल, चार्ज और एक्सेलरेटेड मतलब वो पार्टिकल जिसमें कुछ चार्ज है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अगर ऐसा कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। ठीक है, क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल समझ लो ना, मतलब जो मतलब सदियों से चलती आ रही है, हर चीज पे हम फिजिक्स के अंदर उसको अप्लाई कर देते हैं, है ना, कि भैया क्लासिकल फिजिक्स के रूल से ये होगा वो होगा। ठीक है, तो ना कहने का मतलब है उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखा हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, उनसे सवाल पूछा गया कि सर इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, भाई सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है इसका, महाभारत पढ़ी थी पूरी कैथोड रेज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, साथ में सिंस ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा तो हर पल इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड सेम हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ देखो इसका डायरेक्शन ये है, फिर ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसका डायरेक्शन आप कह सकते हो ये है, ठीक है इस तरह से, सॉरी, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है इसका डायरेक्शन ये है, तो हर पल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज कर रहा तो मतलब एक्सीलरेटेड मोशन में, तो सर इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन शुड लूज इट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए, बाहर के लिए जाओ भैया। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो समझना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है गोल गोल घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, तो घूमता 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 अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और इस तरह से न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, इस तरह से न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, और फाइनली कहाँ जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। बोलो इस बात से एग्री करते हो, मतलब रदरफोर्ड एंड
इनडायरेक्टली बोल रहे हैं एटम का एक्सिस्टेंस ही नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो एटम स्टेबल ही नहीं है, एटम का कोई ऐसे एक्सिस्टेंस ही नहीं है, और हम आपस में बात कर रहे हैं भाई। है एटम तो है, मैं स्टोक से लिख रहा हूँ, एटम से मिलकर बना है, एटम तो है, लेकिन आप तो एटम की स्टेबिलिटी पर सवाल उठा गए। इसका कोई जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। दूसरी क्या ड्रॉबैक थी, मैंने आपको उस टाइम सीधी सीधी लिखवा दी थी, आज हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा तो अभी भी नहीं करेंगे, पूरा करेंगे बोर मॉडल के बाद, ठीक है। ड्रॉबैक क्या थी ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, रदर बोर मॉडल का ज़्यादा फील आएगा अगर ड्रॉबैक को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे तो। ड्रॉबैक यह थी कि रदरफोर्ड did not explain the line spectrum, इसको ना कुछ किताबें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कह देती है, डिस्क्रीट है ना, ज्यादा बेटर लाइन तो वही है वैसे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो नाम है, बाकी किसी का भी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बता नहीं पाए थे, है ना, केवल हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बात करेंगे। इन्होंने कहा ही डिड नॉट एक्सप्लेन द लाइट स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। अब सर ये बला क्या है, किसको कह रहे हो आप डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एक एक्सपेरिमेंट से समझते, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट को स्पेक्ट्रम को समझे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है कि मान लो वहां से मैंने कुछ सामने से, मेरे बिल्कुल सामने से मैंने कुछ एनर्जी रेडिएट की, एनर्जी इमिट की, उन रेडिएशंस की अलग अलग वेवलेंथ होगी, सही है, उन रेडिएशन में अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन होंगी, अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव होंगी, किसी की वेवलेंथ 1000, किसी की 1100, किसी की 1200, 1001, 1002, 1003, बोलो हाँ की ना, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। जैसे हम बात करते हैं, सुनो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट कौन सी रेंज में होती है, वो विजिबल रेंज में होती है, तो विजिबल रेंज की सारी वेवलेंथ होती है उसमें, क्या बनता है बेबिग्योर, जानते हो ना। अगर मैं वहां से सामने से व्हाइट लाइट मारूं, बीच में लगा दूं प्रिज्म और प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास कराऊं, तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को उसकी सारी वेवलेंथ में तोड़ देगा, प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को उसकी सारी वेवलेंथ में तोड़ देगा। व्हाट आई वांट टू से समझना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि मैंने कहा कि मेरे पास एक व्हाइट लाइट का यहां सोर्स है ना, यहां से मैं व्हाइट लाइट मार दूं, सामने मैंने लगाया हुआ है एक प्रिज्म, जब मैं इस व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से पास कराऊंगा, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, शायद आप जानते हैं पहले से ही, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से, किस नाम से पढ़ते हैं, विविग्योर के नाम से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने व्हाइट लाइट पास कराई, ये मस्त व्हाइट लाइट गई यहां से, सामने लगा दिया एक पर्दा है ना, हाँ पर्दा है, पर्दा सामने लगा दिया मैंने एक पर्दा। अब जब निकोल प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट निकलेगी, तो ये निकोल प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स की वेवलेंथ में, सारी वेवलेंथ में तोड़ देगा, जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 7 कलर में तोड़ देगा। इस पर्दे पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हम लोगों को मिली सारी की सारी, ये मिलके कहलाती है, या बैंड ऑफ वेवलेंथ आप कह दो, बैंड ऑफ कलर आप कह दो, ठीक है, कहलाती है स्पेक्ट्रम। मैं क्यों बैंड ऑफ वेवलेंथ कह सकता हूँ, कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा व्हाइट लाइट ही मारे हूँ, किसी और रीजन की हम वेव्स मार सकते हैं, तो उनकी वेवलेंथ आ जाएगी, हाँ पर दिखेंगी नहीं, पर्दे पर ही दिखेंगी, ठीक है, बाकी तो दिखेंगी नहीं, जाती हुई आती हुई, ठीक है, हमारे पास है टेक्निक, हम बता सकते हैं कौन कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये बात थी, स्पेक्ट्रम होता है ये, आप सुनो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, नहीं इन्होंने नहीं किया, दूसरे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने किया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में बताया क्या होता है, सुनना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, है ना, मतलब हमने एक थैला भर के गैस के मॉलिक्यूल ले लिए, गैस मॉलिक्यूल, ठीक, थैला मतलब चैम्बर, गैस चैम्बर होता है, उसमें लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक थैला भर के गैस के मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है सर, इन गैस मॉलिक्यूल्स को हमने हीट किया। अच्छा, गैसेस को हीट करने का तरीका क्या होता है, कैसे हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ा के, नहीं, गैसेस को हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से, है ना, तो हमने गैसेस को हीट किया,
हीटिंग ऑफ गैस बाय इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट लगाया, इलेक्ट्रिक करंट लगा के इस गैस को कंटिन्यूसली हीट किया। अब जब आप इस गैस को हीट कर रहे हो तो ये गैस कुछ रेडिएशन इमिट करेगी, बाहर निकालेगी। आप इसको हीट कर रहे हो भाई, कोई चीज़ गर्म की जाती है तो एनर्जी रेडिएट करती है कि नहीं करती है? तो ये भी कुछ वेवलेंथ, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, कुछ वेवलेंथ बाहर निकालेगी, ऐसा कह सकते हो कि कुछ रेडिएशन इमिट करेगी। इस गैस ने हीट करने के बाद जो रेडिएशन इमिट की, हमने उस रेडिएशन को एक पर्दे पर उतारा कि देखते हैं उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ है। फिर से समझ लो क्या कर रहे हैं हम, झोला भर के गैस ली, ठीक है, गैस को हमने हीट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बढ़िया चल रहा है, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने जो रेडिएशन निकाली, उन रेडिएशन को हमने एक पर्दे पर उठाया, कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ सुनो, वो रेडिएशन कुछ इस तरह से थी कि उन रेडिएशन में एक पर्टिकुलर रेंज की लगभग सारी वेवलेंथ थी एक्सेप्ट सम वेवलेंथ। व्हाट आई वांट टू से समझो, जैसे हमने गैसेस मॉलिक्यूल को जब हीट किया तो उसने वेवलेंथ निकाली, वहां पर वेवलेंथ है, समझना, उल्टा बोल जाना, वहां पर वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई भी हो सकती है। 4000 एंगस्ट्रॉम के बाद सीधी आ जाओ 4200 एंगस्ट्रॉम की, उसके बाद आ जाओ 4400 एंगस्ट्रॉम की, है ना, उसके बाद आ जाओ 4500 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद आ जाओ 4550 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ समझना, जब हमने गैस को हीट किया इलेक्ट्रिक करंट से तो इसने कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ निकाली। क्या कह रहा हूं, गैस इमिट सम सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। अरे गेटिंग दिस, क्या कह रहा हूं मैं कि गैस चैम्बर को आपने हीट किया इलेक्ट्रिक करंट से, उसमें कुछ रेडिएशन निकाली, उन रेडिएशन को हमने एक पर्दे पर उतारा, देखा कौन कौन सी वेवलेंथ है, तो वहां पर कुछ ही वेवलेंथ हमें देखने को मिली, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे यहां पर देखो क्या कह रहा हूं मैं, मैंने व्हाइट लाइट, मान लो इसने व्हाइट लाइट की रेडिएशन निकाली, 7 कलर दिखने चाहिए थे, व्हाइट लाइट मान लो इसने रेडिएशन निकाली, 7 कलर दिखने चाहिए थे, सारी वेवलेंथ नहीं थी, क्या था, येलो कलर था, येलो के बाद सीधा क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है, बीच के सारे कलर गायब, पहले के सारे कलर गायब। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि येलो और रेड निकलेगा, कोई सा भी हो सकता है ना, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, मनगढ़ंत कहानी है। जैसे समझो क्या कह रहा हूँ कि ग्रीन कलर दिखा, ठीक है, विप्योर का ऑरेंज दिखा, बाकी सब नहीं दिखे, बाकी सारी वेवलेंथ गायब, सारी वेवलेंथ गायब। इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा था उसने, क्योंकि कुछ लाइन ही नजर आ रही थी उस पर्दे पर, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ नजर आ रही थी। इसको उन्होंने एक और नाम दिया, इन्होंने इसको बोला इमिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ अ गैस। अभी देखो मजा आएगा, इमिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ अ गैस, कुछ सर्टेन वेवलेंथ दिखी, बाकी सब गायब। अच्छा, ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं था कि 100 के गैप के बाद दिख रही है, 200 के गैप के बाद दिख रही है, 400 के गैप के बाद दिख रही है, कुछ भी हो रहा था। 100 एंगस्ट्रॉम की दिख गई, फिर 400 एंगस्ट्रॉम की दिख गई, फिर 450 एंगस्ट्रॉम की दिख गई, फिर 600 एंगस्ट्रॉम की दिख गई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह का एक स्पेक्ट्रम हम लोगों को मिल रहा था, जिसको हमने क्या नाम दिया, इमिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। आगे सुनो, कंटिन्यूस नहीं था, एक होता है कंटिन्यूस, समझते हो, हर तरह की वेवलेंथ, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, हर तरह की वेवलेंथ दिखे, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम था, जैसे अभी मैंने बनाया था ना, विप्योर व्हाइट लाइट को जब पास कराएंगे किसमें से, निकोल प्रिज्म से, जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, वहां पे हर तरह की वेवलेंथ देखने को मिलेगी आपको, वॉयलेट इंडिगो ब्लू विप्योर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ऑरेंज रेड येलो, सब तरह की वेवलेंथ देखने को मिलेगी, एक भी वेवलेंथ ऐसी नहीं थी जो गायब हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। यहाँ पर तो कुछ ही देखने को मिल रही है, बाकी सारी गायब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड,
हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, आ कैसा रहा है डिस्क्रीट। क्यों आना चाहिए था ये धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, अभी तो शुरू किया है ना। अरे अभी तो शुरू किया, इस स्पेक्ट्रम को भी हम लोग पूरे एक डेढ़ लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं केवल तुम्हें ड्रॉबैक बता रहा हूं। अच्छा दूसरा सुनना, एक और तरह का स्पेक्ट्रम होता है, तो इमिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, सुनना एक बार ध्यान से। हमने कहा सुना अगेन गैस के मॉलिक्यूल लिए, ये लिए बढ़िया एकदम कोई दिक्कत नहीं सर। इन गैस के मॉलिक्यूल से हमने इस बार हीट वीट नहीं किया, इस बार हमने वाइट लाइट पास कराई। हमने कहा वाइट लाइट चल रही, और झोला भर के वही गैस ले लिया अपन ने, उसमें अपन ने वाइट लाइट पास करा दी। वाइट लाइट चलो कूच कर दो, वाइट लाइट गई बढ़िया एकदम, उछलती कूदती हुई है ना, नाचती गाती हुई गई तो बाहर भी आएगी। हमने इस वाइट लाइट को पर्दे पर उठाया, एक पर्दे पर उतारा, क्या होता है क्या नहीं होता, हम सोच रहे थे बिजली और बनेगा, पर कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम आया, जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर आया उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ थी, उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ थी, कुछ वेवलेंथ को छोड़ के। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रही हूँ, इन दिस स्पेक्ट्रम, यहाँ जो स्पेक्ट्रम आया समझो, जैसे 4000, 4001, 4002, 4003 सारी वेवलेंथ हैं इस तरह, बीच में एक वेवलेंथ गायब। ये जो डार्क सा मैं बना रहा हूँ मतलब वेवलेंथ है जो कि गायब है। फिर कुछ वेवलेंथ्स हैं कंटिन्यूस हैं, फिर बीच में से एक वेवलेंथ गायब। फिर कुछ वेवलेंथ हैं, फिर बीच में से एक वेवलेंथ गायब। फिर कुछ वेवलेंथ हैं, बीच में से एक वेवलेंथ गायब। फिर कुछ वेवलेंथ हैं, फिर एक वेवलेंथ गायब। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, सर्टेन वेवलेंथ आर मिसिंग। कुछ वेवलेंथ ऐसी थी जो मिसिंग थी, थी नहीं इसमें, हाँ थी नहीं, बाकी सारी थी। जैसे विबग्योर कलर है तो वॉयलेट था, इंडिगो था, ब्लू नहीं था, उसके बाद कंटिन्यू है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसे जैसे समझो 5000 की है, 5001 की है, 5002 की है, 3 की है, 4 की गायब, फिर 5 की है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब केवल एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, समझना, केवल समझाने के लिए वेवलेंथ के नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने भी कलर का नाम लिया तो ज़रूरी नहीं है कि येलो की गायब हो या रेड की गायब हो, किसी की भी हो सकती है, बट फील क्या आना चाहिए कि यहाँ कुछ वेवलेंथ दिख रही थी। इस स्पेक्ट्रम को कहा इमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर कुछ वेवलेंथ दिख, वाइट वेवलेंथ गायब थी, मतलब इसके अंदर से वाइट लाइट पास कराई, इसका यही मतलब है ना, इसके अंदर से वाइट लाइट पास कराई, ये खुद कुछ वेवलेंथ को खा गया, बाकी वेवलेंथ को जाने दिया। कुछ वेवलेंथ को ये खा गया, बाकी वेवलेंथ को इसने जाने दिया, मैक्सिमम वेवलेंथ को इसने जाने दिया। जैसे मान लो येलो कलर नहीं दिखा है ना, रेड कलर नहीं दिखा, डेट मीन्स कि ये गैस वाइट लाइट पास कराने पर येलो और रेड कलर की वेवलेंथ खा गई, बाकी सबको जाने दिया, जाओ वो पर्दे पर आ गई, एक दो वेवलेंथ खा गई बाकी सारी पर्दे पर आ गई। इसको क्या बोला, सिंस यहां पर एब्जॉर्प्शन किया तो इसको हमको इसने इसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अरे पूरी बात करेंगे इनके बारे में, अभी तो थोड़ा समझ लो, ठीक है। डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम, इन दोनों स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड नहीं दिखा पाए, नहीं समझा पाए। कमाल की बात बताऊं, मान लो ये दोनों के दोनों स्पेक्ट्रम हर गैस के लिए स्पेसिफिक होता है, देखो ये हाइड्रोजन के लिए कुछ और आएगा, हीलियम के लिए कुछ और आएगा, नियोन के लिए कुछ और आएगा, आर्गन के लिए कुछ और आएगा, क्लोरीन के लिए कुछ और आएगा, पर बेसिक सबका सेम है कि इसमें कुछ ही वेवलेंथ दिखेंगी, सारी गायब होंगी। इसमें सारी गैसेस के लिए अलग अलग आएगा, पर एक चीज कॉमन कि कुछ वेवलेंथ मिस रहेंगी बाकी सारी दिखेंगी। इसमें कुछ दिख रही है, इसमें कुछ मिस है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा। मान लो ये हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए उसका इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन के लिए उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमने हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम बनाया, झोला भर के हाइड्रोजन ले ली, इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया, इमिशन स्पेक्ट्रम बनाया, तो कुछ वेवलेंथ दिख रही थी। फिर हाइड्रोजन में से लाइट पास की, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ वेवलेंथ गायब थी।
यहाँ वही वेवलेंथ दिख रही थी यहाँ पर जो यहाँ पर गायब है। आर यू गेटिंग दिस? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने आज जितना भी पढ़ा है। यहाँ वही वेवलेंथ दिख रही थी जो यहाँ गायब। कमाल की बात थी, आंखें खुल गई सबकी, ये क्या हुआ? जैसे यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ गायब थी, क्या दिख रही थी, सॉरी 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दिख रही थी, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ गायब थी, नहीं दिख रही थी। यहाँ पे 6000 की, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दिख रही थी, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, इस वाले स्पेक्ट्रम में, कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 6000 की वेवलेंथ गायब थी। समझो जैसे यहाँ पे येलो और रेड कलर गायब था, है ना, दिख रहा था, सॉरी येलो रेड कलर की वेवलेंथ दिख रही थी, तो यहाँ पे येलो और रेड कलर गायब था, बाकी सब दिख रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, में क्या कह रहा हूँ? इन दोनों को नहीं समझा पाए रदरफोर्ड साहब, दूर दूर तक इन दोनों को नहीं समझा पाए। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये दोनों स्पेक्ट्रम होने चाहिए थे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब, सारी वेवलेंथ दिखनी चाहिए थी, पर कुछ दिख रही है, कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है। एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ सारी दिखनी चाहिए थी। वो तुम समझोगे जब तुम बोर मॉडल पढ़ोगे, यहाँ कुछ नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ सारी दिखनी चाहिए थी, पर यहाँ कुछ दिख रही है और यहाँ कुछ गायब है, पंगा हो गया रदरफोर्ड के साथ। तो इसको भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। दीज टू आर दी मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक हमने जानी है ना, कि रदरफोर्ड ने क्या गलतियां की थी, क्या क्या चीज वो नहीं समझा पाए थे। तो रदरफोर्ड का मॉडल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड नहीं कहना चाहिए मुझे, गलती हो गई रदरफोर्ड से, है ना, डिस्कार्ड तो नहीं हो गई गलती, लेकिन बहुत बड़ी बात बताई थी उन्होंने कि एक एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। मतलब इट इज नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट जो उन्होंने मॉडल दिया था, कहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वहीं से, उन्हीं के मॉडल से हम आगे बढ़ पाए। और फिर निल्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया। निल्स बोर का मॉडल अगर मैं बोलूं तो एक्चुअली में रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन, मतलब रदरफोर्ड के, उन्होंने रदरफोर्ड से बड़े प्रभावित थे निल्स बोर, इफेक्टिव थे। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड साहब का मॉडल मुझे पसंद है, मैं उसको जाके स्टडी करता हूँ। तो उन्होंने लैब में 1-1.5 साल स्टडी की और अपने कुछ पोस्टुलेट किए, अपना कुछ मॉडल लिया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपसे कोई पूछेगा भी कि भैया बोर मॉडल कैसे दिया, क्या किया, तो कुछ नहीं है, रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन है। हालांकि बोर मॉडल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रदरफोर्ड मॉडल फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट दोनों मॉडल खास थे, दोनों, है ना। रदरफोर्ड का मॉडल भी खास था, गलतियां थी, पर फिर भी मैं उसको खास कहूंगा, निल्स बोर का उससे भी खास था। तो हेडिंग लगाएं बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, या ऐसे लग लिखना पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्या पोस्टुलेट थे, क्या बातें बताई थी बोर ने, निल बोर ने? तो शायद 1912 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था और उसकी तकरीबन 1-1.5 साल बाद निल्स बोर ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। अब क्या मॉडल था निल्स बोर का, मैं सीधे पोस्टुलेट लिख रहा हूँ, क्या बोला था सर निल्स बोर ने? उन्होंने बोला कि, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहते, ऐसा कौन बोला था? सर रदरफोर्ड। इन्होंने भी यही बोला, इन्होंने भी यही बोला, पर इसमें कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई, सुन रहा है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चैन रिवॉल्व, इन्होंने भी बोला हाँ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और आज भी हम यही पढ़ते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बोल दिया, पर कंडीशन के साथ, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी। इन्होंने क्या बोला, हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पर वो सर्कुलर पाथ फिक्स है, सर्कुलर पाथ फिक्स है, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी,
ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन होल कैन रिवॉल्व इन सर्टिन स्टेबल लिखना चाहिए था, स्टेबल ऑर्बिट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट इज फिक्स्ड। इन्होंने कहा हाँ चक्कर लगाते हैं, कुछ स्टेबल सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं और उन सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स है। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्या लिख रहा हूं मैं, दीज ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड आर नोन एज एनर्जी लेवल, मतलब शेल कह दिया सर अदर फोर्ड ने, ऑर्बिट कह दिया सर अदर फोर्ड ने, तो वो नाम तो गए, नए नाम आ गए क्या, एनर्जी लेवल। और इसी को हमने क्या कहा, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी मतलब स्टेबल, ठीक है, और स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल सर्कुलर पाथ, ओनली इन सर्टेन स्टेबल सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड साहब क्या कह के गए थे, सुनना, कि एक न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा हाँ लगाता है, पर कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ में, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां चक्कर लगाएगा, इसके बीच में कहीं नहीं लगाएगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कहीं भी लगाएगा, सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं भी रिवॉल्व करा दो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करा दो। कौन कह रहा था, रदरफोर्ड। इन्होंने कहा कहीं भी नहीं करा सकते, कहीं करा सकते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने कहा कहीं भी नहीं करा सकते, कहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। इस ऑर्बिट में लगाएगा, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इनके बीच में कहीं नहीं लगाएगा, फिर यहां लगाएगा तो इनके बीच में कहीं और नहीं लगाएगा, या तो यहां या तो यहां, यहां लगाएगा इनके बीच में कहीं नहीं लगाएगा। इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा इन सर्कुलर ऑर्बिट को क्या कह दो, एनर्जी लेवल कह दो, एंड द एनर्जी ऑफ दीज स्टेशनरी लेवल या दीज ऑर्बिटल्स आर फिक्स्ड। इनकी एनर्जी कैसी है, फिक्स है। समझो, जैसे समझो न्यूक्लियस के जस्ट बाद में जो ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, है ना, इनको इन्होंने नेम भी दिए थे, जानते हो आप इतना तो, इसको के शेल कहा था, के एनर्जी लेवल, इसको एल कहा था, इसको एम कहा था, क्या कहा, दीज ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल लिखना चाहिए मुझे इसे, ऑर्बिटल्स नहीं, दीज एनर्जी लेवल वर नेम्ड एज के एल एम एन ओ पी, आगे अल्फाबेट तो आते हैं आपको, के यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला, एल उन्होंने बोला उसके बाद वाले फिक्स एनर्जी लेवल को, एम बोला उसके बाद वाले एनर्जी लेवल को, एन बोला उसके बाद वाले एनर्जी लेवल को, यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल को। इन्होंने कहा सुनना, एनर्जी फिक्स है इन ऑर्बिटल की, इन सर्कुलर पाथ की, कैसे समझो, इस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट इमेजिन, मान लो इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी होती है, अजीबोगरीब सी वैल्यू ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जानते हैं आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए हमने। एनर्जी फिक्स है इस ऑर्बिटल की, कोई बदल नहीं सकता, कोई आ जाए बदल नहीं सकता, एनर्जी फिक्स है। जैसे इसकी एनर्जी होती है -10 point something इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिक्स है ना, -3 point something होती है, -3.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिक्स है भैया। क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट इज फिक्स, दो चीज, तीसरा एंड आर नोन एज एनर्जी लेवल फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रदरफोर्ड कह रहे थे कहीं भी घुमाओ, कहीं भी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये कह रहे नहीं था,
कहीं भी नहीं घूमेगा। कुछ एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी होगी किसकी, कुछ ऑर्बिट की, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उनके अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं रिवॉल्व नहीं कर सकता। पहली चीज इन्होंने ये बताई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, सुन, दूसरा इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी लेवल। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी, एनर्जी जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो एनर्जी एनर्जी लेवल की, मतलब इलेक्ट्रॉन की खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, यही मतलब है इसका। अभी समझाऊंगा मैं, तो लिखना, इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी एज द एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल की एनर्जी है, एनर्जी लेवल कह दो, शेल कह दो, ठीक है, मतलब जिसमें वो घूम रहा है, ठीक है, एक चीज और, एज द एनर्जी लेवल इन विच इट रिवॉल्विंग। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है, इस वाले एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल इसमें मत घूम रहा है। इसकी एनर्जी मैंने आपको कितनी बताई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चिंता मत करो, कैलकुलेट करेंगे, याद बात नहीं करना इसको कि -13.6 -3.5, एग्जांपल के लिए बता दिया, समझ लो इमेजिनरी है बस, कि इसकी इस एनर्जी के लिए छोड़ो, बॉडी माइनस में लग रही है ना, तो कुछ सोच लोगे एनर्जी माइनस में कैसे हो सकती है ना, समझो 5 जूल एनर्जी छोड़ो, इस ऑर्बिट की या इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, 5 जूल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी, 5 जूल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा इस सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ की एनर्जी लेवल की क्या एनर्जी है, -3.5 वोल्ट। जस्ट इमेजिन, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो भी की है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, यहां पे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, कंटिन्यूअस। कैसे, कंटिन्यूअस, कहीं भी, यहां भी कर सकता है, वहां भी कर सकता है, वहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, आगे भी कर सकता है, कहीं भी रह सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं भी, ठीक है, कंटिन्यूअस, इसी को तो बोलेंगे कंटिन्यूअस, यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है। इन्होंने कहा नहीं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब या तो यहां थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो मैं किससे रिलेट करना चाह रहा हूं, या तो यहां, बीच में कहीं भी, डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ ही ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेगा। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी शेल की एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन बेचारा है, तू रखेगा तो तेरे जैसे बन जाएंगे, कोई और रखेगा तो उसके जैसे बन जाएंगे, साधु आदमी है, संत आदमी। इस ऑर्बिट में मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, 5 जूल एनर्जी इसकी ऑर्बिट की, तो इसकी एनर्जी 5 जूल है। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां फेंक दो, इसके बराबर एनर्जी मिल जाएगी। वेबिनार में मैंने सुना था, एक बड़े बढ़िया आदमी थे, बढ़िया कोई जानकार, तो उन्होंने बोला, वो बता रहे थे इसी के बारे में, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी होती है जहां वो बैठा है उसकी, मतलब कहते इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू किसकी होती है जानते हो, कहां वो बैठा है, डेट मीन्स की उसका ओहदा क्या है, ओहदा समझते हो, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, उसकी कुर्सी क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, इसकी वैल्यू होती है। सेम कहानी, जैसे समझो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे, मैंने इस क्लास में अलग अलग टेबल्स बिछवाई, मैंने कहा 90 अबव वालों को बढ़िया टेबल्स पर बिठाओ, बिलो 90 वालों को थोड़ी खराब टेबल दे दो, बिलो 70 वालों को जमीन पर बैठा दो। ऐसा मैं करता नहीं हूं, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। अब मैंने क्या किया, उन टेबल्स की परसेंटेज फिक्स कर दी, तुम्हारी तो है कितनी है छोड़ो उसको, मैंने किसकी परसेंटेज फिक्स कर दी, टेबल की। अब जो बच्चा सबसे अच्छी टेबल पर बैठेगा वो मेरे लिए 90 प्लस वाले का है, चाहे
कितनी परसेंटेज लाके बैठा हो, धोखे से बैठ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? में क्या कह रहा हूँ कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी किनकी है? इन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ की, इन ऑर्बिटल्स की। ठीक है, दो बात कही इन्होंने, पहली सुन लेना, पहली इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट नोन एज एनर्जी लेवल और स्टेशनरी लेवल। सर्टेन एनर्जी लेवल कुछ हो सकते हैं, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अ नोन एज एनर्जी लेवल और स्टेशनरी ऑर्बिट। इन एनर्जी लेवल को नाम दिया KLM, इनकी एनर्जी होती है फिक्स। सेकंड बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी एज द एनर्जी लेवल। ठीक है, इन विच इट रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने जो कही, मजा ही आ गया उसको सुनकर, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ या व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ एनर्जी लेवल, और यू कैन से सर्कुलर पाथ, एनर्जी लेवल कह रहा हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी, या केवल इमिट ही लिख दो, डू नॉट इमिट एनर्जी। क्या बोल गए सर आप बोल रहे हो सर कि एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट नहीं करता। लेक्चर शुरू किया था तो क्लासिकल मैकेनिक्स का रोना रो रहे थे सर, आपने बोला क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसको अपनी एनर्जी इमिट करनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि एनर्जी इमिट नहीं करेगा, डू नॉट इमिट एनर्जी, क्यों नहीं करेगा? कोई रीजन नहीं, हाँ कोई रीजन नहीं, सीरियसली कोई रीजन नहीं, सीधा बोल दिया इन्होंने। सर तो कोई भी बोल सकता है ना, डेढ़ साल एक्सपेरिमेंट किए थे तब जाके बोला, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने ऐसा बोला साफ, मतलब इन्होंने साफ बोल दिया कि अगर आपको एटॉमिक लेवल पर स्टडी करनी है ना चीजों की, एटॉमिक लेवल पर, तो अपनी दकिया निजी सोच को साइड में रखो, हर जगह नहीं लगती। यू कैन नॉट अप्लाई क्लासिकल मैकेनिक्स, 100% क्लासिकल मैकेनिक्स इन एटॉमिक लेवल नहीं लगा सकते आप। रीजन कुछ नहीं है, नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते सर, कोई भी बता देगा नहीं, ये तो कोई भी बता, ना भाई बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे किसी सामने, आपके क्लासिकल मैकेनिक समझ रहे हो सर, आइजक न्यूटन, सर मैक्सवेल, इनकी बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने दी थी। दो तरह का फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग, पूछना फिजिक्स वाले सर से कौन कौन सा, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स जिसको मॉडर्न फिजिक्स कह देते हो तुम, जो आज के टाइम पे चलता है, आज की बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है क्वांटम फिजिक्स। एक होता क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट थे चैलेंज करने वाले क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल को, लोग को इन्होंने बोला एटॉमिक लेवल पर पढ़ाई करनी है, भूल जाओ क्लासिकल मैकेनिक्स, कोई क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल है वो आप 100% अप्लाई नहीं कर सकते एटॉमिक लेवल, और अगर करना चाहते हो तो भूल जाओ कि आप पढ़ पाओगे एटॉमिक लेवल पर चीजों को, साफ कह दिया इन्होंने, कोई रीजन नहीं दिया। इन्होंने कहा व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, दोनों बातें बोली थी इन्होंने, ना तो इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है नहीं करेगा, ठीक है क्यों नहीं करेगा, कोई रीजन नहीं है, बस सीधा कह देंगे, कोई पूछेगा तो मुझसे आज के बाद मैं सीधा कह देता हूँ भैया क्लासिकल मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल पर नहीं लगती, ज्यादा जानना है तो क्वांटम पर, तब समझ में आएगा क्यों नहीं लगता, नहीं लगता यहाँ पे, उसके अलग प्रिंसिपल है, अलग लॉज है, अलग चलता है वो, और दोनों ही जरूरी है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, एक और बात इसी में इन्होंने जोड़ी जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी टाइम काफी हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, इन्होंने क्या बोला कि इफ अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट सम एनर्जी, अगर सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को इमिट करे, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो
न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, बस अपना एनर्जी लेवल चेंज कर देगा। 80% वाला बच्चा था, अगले एग्जाम में 90+ आई, उठ के कहाँ चला गया, बढ़िया वाले टेबल पर। बात समझ में आई? क्या कहा? इस इलेक्ट्रॉन वैसे तो करेगा नहीं, इन्होंने कहा अगर मान लो करता भी है, तुम करा रहे हो जबरदस्ती की, नहीं मुझे तो कराना है एनर्जी में चेंज, मैं तो नहीं मानूंगा, तो इस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट सम एनर्जी, इमिट सम एनर्जी, इट चेंज इट्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इन विच इट रिवॉल्व, जिस एनर्जी लेवल में ये घूम रहा है उस एनर्जी लेवल को छोड़ के भाग जाएगा। जैसे मान लो यहां था इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ एनर्जी मिली एब्जॉर्ब की, कहां पहुंच जाएगा? इस एनर्जी लेवल में। इसकी बात अभी डिटेल में करेंगे, टेंशन मतलब मैं कह रहा हूं कि आधा घंटा बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे यहां से। अगर इलेक्ट्रॉन, अभी तो समझो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां पहुंच जाएगा? ऊपर वाले एनर्जी लेवल में। अगर निकाल रहा है, कहां पहुंच जाएगा? नीचे वाले एनर्जी लेवल में। इस तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है? तो इमिट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, बट केवल उस केस में इतना करेगा कि अपना एनर्जी लेवल चेंज कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? पहली बात, इमिट और एब्जॉर्ब करेगा, करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है? तो ये कुछ रदरफोर्ड के पोस्टुलेट थे, आधे पोस्टुलेट थे, अभी दो तीन पोस्टुलेट और बाकी हैं, ठीक है? जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि सर आपने कहा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, तो कौन से ऑर्बिट? मतलब अपनी मर्जी से गोले बना दे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ एक गोला बना दो, वहाँ एक गोला बना दो। इनका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करेंगे, कि सर यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, होगा फिक्स होगा एक एनर्जी लेवल, पर वो कितनी रेडियस पे होगा, ठीक है? इस तरह की बातें हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।